कुर्बानी का गोश्त कितने अरसे तक फ्रीजर में महफूज रहता है, तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। माहिरीन तिब के मुताबिक कुर्बानी का गोश्त 20 दिनों से ज्यादा फ्रिज और फ्रीजर की जीनत ना बनाए। फ्रिज मुतअद्दिद बार खोलने से भी गोश्त की ताजगी और गजाइयत मुतासिर होती है, जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक वैसे तो गोश्त को फ्रीजर में 6 माह तक महफूज रखा जा सकता है, ताहम 3 माह के बाद ही इसके तमाम फवायद और गजाइयत खत्म हो जाती है। अगर फ्रीजर में रखे गोश्त को 2 या 3 हफ्ते के अंदर इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो ताज़ा गोश्त की तरह फायदेमंद होता है। ख्याल रहे कि ज्यादा अरसा फ्रीज करने से गोश्त में से प्रोटीन और दीगर विटामिन्स वगैरह खत्म हो जाते हैं। अक्सर घरों में फ्रिज में गोश्त को महफूज करने के लिए अखबार का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अखबार की स्याही गोश्त पर आ जाती है। लिहाजा ऐसा करने से परहेज करें और फ्रीजर में गोश्त महफूज करने के लिए सफेद शॉपिंग बैग इस्तेमाल करें। बड़ी ईद की खुशियों में बोलने दिया अपने अवाम का साथ। पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पिशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3,259 अहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।